बाड़मेर जिले में कानून व्यवस्था संभाल रही पुलिस की कार्यशैली पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। पिछले 3 महीनों में लगातार कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसने बाड़मेर पुलिस की खूब किरकिरी करवाई है और अपराधियों में खौफ पैदा करने वाली पुलिस के 6 कप्तान बदल दिए गए। बुधवार के बाद गुरुवार को एक और वीडियो वायरल हो गया जिसने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए। समधड़ी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ लाठियों से मारपीट कर वीडियो वायरल कर दिया। इस पर SP ने मामला दर्ज करने की जानकारी देते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। राजस्थान प्रदेश की शांत आबोहवा का प्रतीक बाड़मेर जिला अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है और पुलिस की धीमी कार्यप्रणाली के चलते लगातार अपराधों के ग्राफ में बढ़ोतरी होती जा रही है। दरअसल गुरुवार को समधड़ी कस्बे से युवक की लाठी डंडों से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद समधड़ी पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि किसी प्लॉट के मालिकाना हक को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही आपसी झगड़े में कुल 3 लोग घायल हो गए। घटनाक्रम को लेकर दोनों गुटों की ओर से पुलिस को रिपोर्ट सौंपी गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार दरिया देवी पत्नी चंद्राराम सरगरा निवासी पचपदरा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका पति चंद्राराम, ननद व भाणेज पवन कुमार एवं सास सीता देवी गुरुवार दोपहर को भाणेज पवन के बालोतरा रोड स्थित प्लॉट की देखरेख करने गए। इस दौरान हिंदूराम पुत्र डूंगराराम व रमेश पुत्र हिंदूराम के साथ आए अन्य लोगों ने सरियों व लाठियों से प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से हमला बोल दिया। हमले में उनके पति चंद्राराम और सास दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज बालोतरा के अस्पताल में चल रहा है। मारपीट की कौन वजह? प्लॉट वजह। किन टाइम हुई अपराध मारपीट? हमारी। प्लॉट किसका है? प्लॉट मार बेटी जमाई रोड। आप किसके ले गए थे उस प्लॉट पे? प्लॉट भाई जी तब 3 बहन भाई और धनी कौन मैं पाला। देखिए सुबह एक इतला मिली थी कि एक दो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ मारपीट हुई है और वो अस्पताल में एडमिट हैं, जिस पर पुलिस ने जाकर उनके बयान लिए, उनका इलाज करा रहे हैं और उस पर एक प्रकरण दर्ज किया है। बाद में शाम के टाइम में उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो 2 पक्ष मारपीट करते दिख रहे हैं। मूलतः एक ही गांव के लोग हैं, प्लॉट का विवाद है, हालांकि 2 अलग अलग जातियों के हैं। तो पुलिस ने SC ST एक्ट में, चूंकि जो व्यक्ति विक्टिम है वो SC कम्युनिटी से है, SC ST एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है और जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। आगे जैसा भी नियमानुसार धाराएं जोड़कर कार्रवाई की जाए। कुल कितने लोगों के चोट है? 2 लोगों के चोट होता है। मारपीट करने वालों में अब वो FIR में कितने नामजद हैं, अभी 3 जो मुख्य हैं, बाकी 3 ज्यादा होंगे तो वीडियो देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे या उनके बयान। पूरे मामले पर बाड़मेर SP आनंद शर्मा ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की बात कही है। SP के अनुसार समधड़ी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार अनुसंधान में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।